नमस्कार, मैं कृति गिरी और आप देख रहे हैं AHN न्यूज। कानूनगो की मौत होने पर धरने पर बैठे लेखपाल। सदर तहसील में तैनात कानूनगो राम कुमार वर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में बुधवार को मौत हो गई। इससे नाराज लेखपाल और कानूनगो ने देर सांय तहसील में धरने पर बैठ गए। सदर तहसील लेखपाल संघ के अध्यक्ष अशोक त्रिपाठी ने कहा, 20 जुलाई से कानूनगो की तबीयत खराब चल रही थी, फिर भी कोरोना जांच कराने का अधिकारियों ने प्रयास नहीं किया। मौत की खबर मिलने के बाद कर्मचारी भयभीत हो गए। कानूनगो में कोरोना से मिलते जुलते ही लक्षण थे। परिजन 3 बजे जिला अस्पताल ले गए, जहाँ चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, कोरोना जांच के लिए शव को रोक लिया गया था। देर शाम तक जांच नहीं कराई गई। धरने पर बैठे लेखपालों ने तहसील के सभी कर्मचारियों कोरोना जांच कराने की मांग उठाई। जिला मंत्री अजय कुमार श्रीवास्तव, मंत्री देवेंद्र कुमार, विनय मिश्रा, कानूनगो मनोज उपाध्याय, राकेश मिश्रा, सुरेंद्र चंद्र पटवा, अजय श्रीवास्तव, लेखपाल मुकेश, अनिल श्रीवास्तव आदि कर्मचारी शारीरिक दूरी का पालन करते हुए धरना दिए। धरना की सूची पर कोतवाल रामपाल यादव पहुंच गए। धरना समाप्त कराने के लिए कर्मचारियों से अनुरोध किए। प्रमुख अध्यक्ष जिला अस्पताल डॉक्टर रुचि स्मृति पांडे ने बताया कि कोरोना जांच के लिए शव से सैंपल लिया गया। जांच रिपोर्ट आने पर पता चलेगा कि संक्रमण है या नहीं। बस्ती से दिनेश सोनकर की खास रिपोर्ट। हमारे सदर तहसील में राजस्व निरीक्षक श्री राम कुमार वर्मा जी ऑन ड्यूटी बैठ हुए, उनकी तबीयत बिगड़ी, कर्मचारी लेकर के उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बस्ती ले गए हम लोग। जहां वो तड़प के मर गए, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा कोई उनका दवा या छूने तक की व्यवस्था नहीं की गई। उसी गाड़ी में वो एक्सपायर हो गए। हम लोग 4 घंटे कंटिन्यू उनके एक्सपायर होने के बाद इसलिए ले रहे कि इनका कोरोना का जांच हो जाए। यदि ये कोरोना से पॉजिटिव हैं तो तहसील में वो हर व्यक्ति से मिल रहे हैं, हर व्यक्ति के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, सारे लोगों की जांच हो जाए सदर पर। लेकिन 4 घंटे के बाद जिला वो CMO कार्यालय का कोई भी कर्मचारी जांच करने नहीं आया, जिससे क्षुब्ध होकर हम लोग अपने तहसील में आकर के यहीं बैठ गए। जब तक उनकी जांच नहीं हो जाएगी या सभी कर्मचारियों की जांच नहीं हो जाएगी, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं चलेंगे। जिसमें राम कुमार वर्मा की जांच हो गई, कानूनगो साहब की कोरोना की, और मेरे तहसील के श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये कहा गया कि कल जितने कर्मचारी जांच कराना चाहेंगे तहसील बस्ती में कैंप लगा करके सबकी कोरोना की जांच करा दी जाएगी, जिससे हम लोग अपने अपने घर को प्रस्थान कर रहे हैं। अब मेरा कोई वो नहीं है। जिलाधिकारी द्वारा यह आश्वासन भी दिया गया कि अगर राम कुमार वर्मा को कोरोना पॉजिटिव मिलेगा तो उनके परिवार को जो पारिवारिक सहायता के रूप में 50 लाख रुपया मिलना है उनको मिलेगा, और सरकारी जो सेवा में और मिलना होगा वो मिलेगा।